दोस्तों, अभी कल की 2898 ID मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। इस मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन ही सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जबरदस्त कमाई की है। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए इसी कल की 2898 ID मूवी के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स वीडियो को दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार इतनी बड़ी सुपरहिट मूवी को किस तरह से शूट किया गया था। दोस्तों, इस मूवी के 90% हिस्से को रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में शूट किया गया है, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि मूवी के एक सीन में प्रभास के एक्शन सीन को किस प्रकार से शूट किया जा रहा है। दोस्तों, इस साईफाई मूवी में प्रभास के पास एक इलेक्ट्रिक कार होती है जिसका नाम बूजी रहता है। इसे हाल ही में इसके ट्रेलर आने के बाद रिवील किया गया है। फिल्म में यह भैरवा यानी कि प्रभास का बेस्ट फ्रेंड रहता है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक कार है। और इस बिहाइंड थे सीन में आप इसे देख सकते हैं कि प्रभास इस फ्यूचरिस्टिक कार को खुद बना रहे हैं। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार में कीर्ति सुरेश ने वॉइस की है, मतलब ये कार एक प्रभास के सुपर पावर की तरह है जो हमेशा उसके साथ रहेगा, और यह देखने में बेहद ही जबरदस्त लगती है। इस मूवी में काफी हाई लेवल का एक्शन दिखाया गया है। सुपरस्टार प्रभास से लेकर अमिताभ बच्चन तक इसमें एक्शन सीन किए हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं कि मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन के एक्शन सीन को किस प्रकार से शूट किया जा रहा है। दोस्तों, फेमस मार्शल आर्टिस्ट एंडी लॉन्ग अंगुएन ने इसमें एक्शन डायरेक्टिंग की है, जो को वो इससे पहले भी कई सारी हॉलीवुड मूवी को बना चुके हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो एक मूवी के सीन की शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन को एक्शन सीन की डायरेक्शन दे रहे हैं। दोस्तों, चूंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक मूवी है, इसलिए इसके अंदर ऑलमोस्ट हर हिस्से में VFX का यूज किया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्लू स्क्रीन की हेल्प से इस मूवी को शूट किया जा रहा है। इस मूवी का डायरेक्टर नाग अश्विन जी का कहना है कि वो इस मूवी को बनाने के लिए इसके छोटे छोटे चीज को काफी डिटेलिंग के साथ बनाए हैं। आप यहां देख सकते हैं कि इस मूवी की शूटिंग के लिए इसके आउटडोर और उसके इंडोर दोनों ही सेट को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है। वैसे ही जो मूवी सेट आप यहाँ देख रहे हैं, उसे रामोजी फिल्म सिटी में तैयार किया गया था, जो कि देखने में काफी बड़ी और फ्यूचरिस्टिक लगती है। इस मूवी में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी है, लेकिन वो इसमें मदर के रोल में है, मतलब वो इसमें प्रेग्नेंट है और उनके अंदर एक शक्तिशाली बच्चा है। आप यहां देख सकते हैं कि उनके सीन को किस प्रकार से शूट किया गया था। दोस्तों, अब तक अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको इसका अमिताभ बच्चन का ये सीन तो याद ही होगा, जिसमें वो एक शिवलिंग के आगे गुफे के अंदर पूजा कर रहे होते हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि मूवी के उस सीन को किस प्रकार से शूट किया जा रहा है। दोस्तों, मूवी के अंदर एक शानदार फ्यूचरिस्टिक महल रहता है, और आप यहां देख सकते हैं इस महल को रामोजी फिल्म सिटी के अंदर किस प्रकार से क्रिएट किया जा रहा है। वो इसके एक एक चीज को काफी बारीकी से बनाए हैं, जिसके कुछ बिहाइंड द सीन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही अगर हम इसके कॉस्ट्यूम की बात करें तो डिजाइनर अर्चना राव ने इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम किया है। उन्होंने इस फिल्म के लिए स्क्रैच से कुछ इस तरह के फ्यूचरिस्टिक सूट्स बनाए थे। किसी भी मूवी को बनाने से पहले उसके मिनिएचर वर्जन को तैयार किया जाता है, और आप यहां इस मूवी के शूटिंग से पहले फिल्म का मिनिएचर वर्जन को देख सकते हैं, जहां BFX स्टूडियो के अंदर कई सारे छोटे छोटे सेट बने हुए हैं, जिनमें से कुछ फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग, व्हीकल और स्पेसशिप है नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मूवी कल की 2899 ID मूवी के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स और इससे जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसे ही मूवी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए।